हिंदी कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है आज सुनिए मालती जोशी जी के कथा कथन की श्रृंखला में उनकी लिखी हुई कहानी आ अब लौट चलें तो शुरू करें कहानी दोनों हाथों से सिर थामे रेणु देर तक बालकनी में बैठी रही भीतर चाय नाश्ते का दौर चल रहा था हंसी मजाक हो रहा था उन सब से कटकर वो बाहर आ गई थी उसे लग रहा था जैसे वो अजनबी लोगों के बीच घिर गई है एक भी चेहरा उसका जाना पहचाना नहीं है और कल तक यही लोग कितने अपने लग रहे थे इन्हीं लोगों के भरोसे तो अपना घर छोड़कर यहाँ आ गई थी पति की मृत्यु के बाद तो ससुराल का हर व्यक्ति उसे खलनायक लग रहा था खासकर उसकी सास जिसने सीधे सीधे देवर से शादी का प्रस्ताव रख दिया था इतनी उदारमना तो कभी नहीं थी इस सदाशयता के पीछे देवेश का आठ लाख का बीमा काम कर रहा था समाज में प्रशंसा मिलती सो अलग रेणु बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाकर भागी थी अपनों के बीच आकर उसने राहत की सांस ली थी पर कितने दिन लगता है भेड़िए हर कहीं हैं और उसके पैसों को लेकर हर किसी की लार टपक रही है जीजा जी की कुत्सित वाणी अब तक उसके कानों में खोल रही है बड़े ही तुर्श अंदाज में उन्होंने कहा था रेणु जी सुना है आपने राजू को निहाल कर दिया है तो बहन से क्या नाराज की है भाई कुछ दया इधर भी हो जाए तो आपकी दीदी को सेंट्रो में घुमा दें बेचारी सेकंड हैंड मारुति में बैठी बैठी बोर हो रही हैं अरे तो क्या वो मना कर रही है अपनी दीदी के लिए तो उसकी जान भी हाजिर है अम्मा बोली उन्हें तो आजकल यूँ लग रहा है जैसे उनके घर में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी आ गई है बस बैठे बैठे लुटाए दे रही हैं यह नहीं सोचती कि इन्हीं सात आठ लाख रुपयों के सहारे उसे अपनी ज़िंदगी काटनी है बेटी को पढ़ाना है उसकी शादी करनी है उन्हें राजू की फिक्र है रश्मि की चिंता है पर रेणु की जरा भी परवाह नहीं है उनकी ममता का नकाब कितनी जल्दी उतर गया और अब उनकी और सास के चेहरे में कोई अंतर नहीं रह गया है उसे नहीं पता था कि यहाँ आकर इस भूल भुलैया में फंस जाएगी जब आई थी तो बड़े आदर मान के साथ उसे लिया गया था घर का हर व्यक्ति उसके दुख से आहत था इसीलिए सब उसे बड़ी रजाकत से सहेजे हुए थे उसकी बिटिया तो घर भर की आंखों का तारा थी पर छः महीने बीतते बीतते उसे लगने लगा कि प्यार की उष्मा कुछ कम हो रही है खासकर राजू की बहू के व्यवहार में एक बेरुखी एक बेजारी आ गई है एक दिन तो पड़ोसन से कह भी रही थी एक तो शहर में थी तब भी हरदम सिर पर सवार रहती थी अब तो ये घर में ही आ गई हैं हमेशा के लिए हमारी तो उम्र भर की छुट्टी हो गई समझो नौकरी लगते ही रेणु ने चाहा था कि अलग घर ले ले पर अम्मा नहीं मानी राजू को बुरा लगेगा लोग क्या कहेंगे जैसे जुमले उछालने लगी इस बार फिर रेणु ने अलग घर का प्रस्ताव किया दबे स्वर में नीता की परेशानी का भी जिक्र कर दिया तो अम्मा ने अच्छा खासा महाभारत खड़ा कर दिया समस्या सुलझने के बजाय और उलझ गई अब तो ऋचा को भी मामी की बदमजगी का शिकार होना पड़ता एक दिन अम्मा ने कहा तू अपने खर्चे के पैसे राजू को दे दिया कर बहू को तसल्ली रहेगी मैंने तो शुरू महीने में ही दे दिए थे अम्मा उसने लिए ही नहीं उसने सचमुच पहले महीने का पूरा वेतन राजू के हाथ में रख दिया था वो एकदम रुआसा हुआ आया बोला दीदी क्या मैं इतना गया गुजरा हूँ कि तुमसे पैसा लूँगा देणु ने फिर इसरार नहीं किया वो दूसरी तरह से खर्चे करने लगी बच्चों के लिए फल फूल टॉफ़ी तो रोज़ की बात थी तीज त्यौहार पर कपड़े जन्मदिन पर खिलौने ले आती थी अपना सारा खर्च तो उठा ही रही थी तेल साबुन से लगाकर कर रिचा की फीस और पुस्तकें वही खरीदती थी ऑफिस जाने के लिए उसने एक स्कूटी भी खरीद ली थी जिसका पेट्रोल उसके वेतन का काफ़ी भाग हजम कर जाता था एक दिन अम्मा और नीता के लिए साड़ियाँ भी ले आई थी उसे लगा था नीता खुश होगी पर उसने ऐसा मुँह बनाया मानो साड़ी लेकर रेनू पर एहसान कर रही हो उसे सुनाकर महरी से कह भी रही थी अपने लिए दर्जन भर लाई हैं एक हमें पकड़ा दी तो कौन सा एहसान कर दिया दर्जन भर तो नहीं हाँ चार पांच साड़ी जरूर लाई थी रेनू अपने लिए दफ्तर जाने के लिए ढंग की साड़ियाँ दरकार तो थी ही पहली वाली साड़ियाँ शोक और चटक रंग की थीं पहनते संकोच होता था उसे पता नहीं था कि अम्मा की नज़र उन साड़ियों पर भी है एक दिन वे बोली पेटी में रखे रखे के आचार डालेगी उनका नीता को रश्मि को दे क्यों नहीं देती पहनकर ख़त्म करें अम्मा की बातें उसे कलेजे में तीर की तरह चुभी वे साड़ियाँ क्या सिर्फ साड़ियाँ थीं उनमें कितने अरमान गुथे हुए थे कितनी स्पृतियाँ लिपटी हुई थीं हर एक का अपना एक इतिहास था अम्मा ने तो बड़े आराम से कह दिया कि उठा कर दे दो पर क्या ये इतना आसान है और किसी को पहने देखेगी तो क्या वो सह पाएगी उसके कलेजे पर सांप नहीं लौटेगा चाहती तो अम्मा ये भी कह सकती थी रेनू तेरी कौन सी उम्र निकल गई है अब वो पहले वाला जमाना थोड़े ही रहा है क्यों बिना वजह जोग धारण किए बैठी है पहनकर ख़त्म कर इन साड़ियों को यूं ही पड़े पड़े, पड़े बर्बाद हो रही हैं पर अम्मा ऐसा कभी नहीं कहेंगी उन्होंने तो एक तरह से रेणु को खारिज ही कर दिया है बस नीता और दीदी की फिक्र लगी रहती है रेणु का मन कसैला हो गया उसने रूखे स्वर में कहा अम्मा ऋचा क्या हमेशा बच्ची ही बनी रहेगी उसके लिए भी दुख सहज कर रखना होगा लो सुनो ऋचा क्या साड़ी पहनेगी आजकल देखा है किसी को साड़ी पहनते मार पेट कसे डोलती हैं सब ना सही साड़ी तो सूट पहन सकती है वही सिलवा दूंगी तुम्हारी चीज़ है तुम जानो बाक़ी हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि अच्छी भली साड़ी का सत्यानाश करो और उसके लिए दर्जी को झोला भर रुपए पकड़ाओ अम्मा ने मुंह बिचकाकर कर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर कर दी थी पर रेणु नहीं पसीजी मन तो हुआ था कि दो तीन भड़कीली साड़ियाँ नीता को निकाल कर दे दे पर जानती थी कि दीदी का माथा ठनकेगा उन्हें भी देनी पड़ेंगी उसे इस सारे कार्यक्रम से ही वित्रषणा हो गई संदूक में एक बड़ा सा ताला डालकर उसने पलंग के नीचे सरका दिया अम्मा के आग्रह पर रेनू ने एक बार फिर राजू के सामने खर्च देने की पेशकश की वो बोला दीदी बार बार क्यों शर्मिंदा करती हो हम लोग पहले भी तो इस मसले पर बात कर चुके हैं लगता है अम्मा ने तुम्हें पट्टी पढ़ाई है अम्मा तो आजकल बिल्कुल सठिया गई हैं अम्मा क्यों कुछ कहने लगी मेरे पास भी आंखें हैं दिमाग है मैं भी जानती हूँ कि आजकल एक की कमाई से घर चलाना कितना मुश्किल है फिर तुम तो दो दो गृहस्थियों का भार ढो रहे हो फिर वही बात मुझे कितनी बार कहना होगा कि तुम्हें मैंने कभी अपने से अलग नहीं समझा मलय निलय और ऋचा में कभी कोई फ़र्क नहीं किया है आश्वस्त होकर रेणु वहाँ से उठाई उसने कनखियों से देख लिया था कि किचन के दरवाजे की ओट में खड़ी नीता ध्यान से दोनों की बातें सुन रही है रेणु को तसल्ली हुई चलो मेरी तरफ़ से तो नीता का मन साफ हो जाएगा पर नीता में कोई बदलाव नहीं आया वो वैसी ही घुन्नी बनी रही दिन भर मुँह लटकाए घूमती सबसे बस जरूरत भर की बात करती रेणु को तो किसी काम में हाथ ही नहीं लगाने देती पर यह किसी आदर या प्रेम के कारण नहीं था बल्कि ये दिखाने की कोशिश करती कि ये मेरी गृहस्थी है इससे मैं ही निपटूंगी बाहर वालों का इसमें कोई दखल नहीं चाहिए नीता के व्यवहार की तो उसे आदत हो चली थी पर इधर कुछ दिनों से राजू भी चिड़चिड़ाने लगा था बेवजह बच्चों को पीट देता नीता को झड़क देता कभी कभी तो अम्मा को भी टपट देता इस वातावरण में उसका दम घुटने लगा था एक दिन उसने अम्मा से कहा तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ अम्मा मुझे कहीं अलग घर ले लेने दो तो। मनमुटाव होने से पहले ही अलग हो जाना अच्छा है ये रोज़ की किचकिच मुझसे नहीं सही जाती तुमसे तो किसी ने कुछ कहा है तो क्या उस दिन की राह देखती रहूँ जब मुझसे कोई कुछ कहेगा घर में जो कलह कलेश चल रहा है उसका कारण क्या मैं जानती नहीं नीता ने तो बहुत पहले जता दिया था कि मैं अब इस घर पर बोझ हूँ अब राजू भी उब गया लगता है नहीं रे परेशान है बेचारा तभी अनखाया सा रहता है लेकिन क्यों परेशान है कर्ज में डूबा हुआ है तो परेशान नहीं होगा कैसा कर्ज पहले स्कूटर के लिए लोन लिया था जब तुम यहाँ आने को थी तो ऊपर एक कमरा ऑर्डरवा लिया था उसके लिए भी पैसा उठाना पड़ा अब किश्तें कट रही हैं तो परेशानी तो होती ही होगी महंगाई तो तुम देख ही रही हो कि सुरसा की तरह मुँह फाड़े जा रही है उस पर तुर्रा यह कि जनाब किसी से मदद नहीं लेंगे अरे लेगा क्यों नहीं ज़रूर लेगा पर हजार पाँच सौ से क्या होता है मैंने तो दस बार कहा है कि रेणु से कहकर तो देख लखपति है दीदी दी तेरी एक मुश्क में सारा कर्जा पटा देगी पर शर्म के मारे कुछ कहता ही नहीं रेणु तड़प उठी उसका मन हुआ चीख कर कह दे अम्मा मेरे सारे रुपए ले लो पर मेरी खोई हुई दुनिया लौटा दो ये लखपति होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता उन रुपयों को छूते हुए भी मेरे हाथ कांपते हैं लगता है जैसे किसी की मैयत से रुपये बटोर रही हूँ पर रुंधे गले से सिर्फ इतना ही कह पाई कर्ज तो मैं पटा दूँगी अम्मा पर फिर मेरा क्या होगा मेरे पास तो कोई और साधन नहीं है अकेली होती तो फिर भी कोई बात थी पर एक बेटी भी है उसे पढ़ाना है कल को शादी भी करनी है अरे उसके लिए तो अभी अरसा पड़ा है और तू क्या सोचती है उस समय राजू तेरी मदद नहीं करेगा हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा लेकिन बेटे की पैरवी करते समय अम्मा ने यह नहीं कहा कि राजू क्या तेरे पैसे रख लेगा अपनी एक एफ डी तोड़वा जब उसने राजू के हाथ में दो लाख का चेक रखा तो उसने भी अश्विगलित कंठ से सिर्फ धन्यवाद ही दिया ये नहीं कहा कि दीदी ये तुम्हारा कर्ज है मुझ पर सुविधा होते ही लौटा दूंगा और अब आज जीजा जी ने भी अपना प्रस्ताव रख दिया है अम्मा उनकी भी पैरवी कर रही हैं अगर मना कर देती है तो संबंध हमेशा के लिए ख़राब हो जाएंगे संबंधों की उसे उतनी परवाह भी नहीं है पर वो अपने बहनोई को अच्छी तरह से जानती है वे दीदी का जीना हराम कर देंगे वो ससुराल से इसलिए चली आई थी कि वहाँ पैसा देख सबकी लाड़ टपक पड़ी थी अब यहाँ भी तो वही हो रहा है न एक महीने के अंतराल में वो दूसरी बार पैसा उठाने बैंक गई थी दूर के रिश्ते के एक चाचा उस कुर्सी पर थे इसलिए उसका काम आसानी से हो जाता था पर इस बार उन्होंने थोड़ा ऐतराज किया बोले बेटा तुम्हारा पैसा है उसे खर्च करने का तुम्हें पूरा अधिकार है पर बुज़ुर्ग होने के नाते कह रहा हूँ अगर इस तरह लुटाओगी तो दो दिन में दिवालिया बन जाओगी तुम्हारे सामने वे जिंदगी पड़ी है क्या करूँ चाचा जी राजू को दिया है तो दीदी को भी देना ही पड़ेगा सबकी आंखें मेरे रुपयों पर लगी हैं अम्मा भी उनको शह देती हैं तुम्हें एक छोटा सा फ्लैट क्यों नहीं खरीद लेती झंझट ही ख़त्म हो जाएगा अम्मा अलग नहीं होने देंगी कोई बात नहीं किराए पर उठा देना आमदनी होती रहेगी और देखो देर सवेर तुम्हें अलग ठिकाना करना ही पड़ेगा माँ बाप हमेशा किसके साथ रहे हैं अम्मा के बाद क्या उस घर में रह सकोगी उसने कहना चाहा अम्मा के रहते ही मैं कौन से चैन से रह रही हूँ पर वो चुप रह गई घर की बात बाहर कहना अच्छा नहीं लगा अंकल ही बोले रेणु पता नहीं तुम्हें अच्छा लगेगा या नहीं पर मैं कहे बिना नहीं रह सकता क्या बात है अंकल क्या कभी तुमने दोबारा घर बसाने के बारे में सोचा है क्या बात कर रहे हैं अंकल दस साल की बेटी को लेकर अब मैं दूसरा ब्याह रचाऊंगी ये ठीक से पल जाए वही बहुत है ये तो पल ही जाएगी पर पिता की कमी उसे हमेशा खलेगी और मामा उस शून्य को नहीं भर सकता दो तीन साल पहले बहुत अच्छे प्रपोजल्स लेके तुम्हारे घर गया था पर भाभी ने इतनी बुरी तरह झड़क दिया कि फिर कभी हिम्मत ही ना पड़ी ये कब की बात है अंकल मुझे तो पता ही नहीं था वे तुम्हें पता लगने भी नहीं देंगे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो तुम तुम्हें कोने की बात वे सोच भी नहीं सकते गलती मेरी ही थी डायरेक्ट तुमसे ही बात करता तो ठीक था कोई बात नहीं अब भी तुम मेरे दोनों प्रस्तावों पर गौर कर सकती हो दोनों हाँ दोनों शादी और घर उस दिन शाम को घर लौटी तो देखा घर पर काफ़ी रौनक लगी हुई थी सारे लोग बाहर खड़े हैं दीदी जीजा जी भी आए हुए हैं दरवाजे के सामने एक ठेला खड़ा है और उसमें से वॉशिंग मशीन उतर रही है अड़ोसी पड़ोसी भी मुआयना करने आ पहुँचे हैं इस महीने ये तीसरी बड़ी खरीद थी सबसे पहले एक तीस इंची कलर टी आया था जिसके साथ एक सी प्लेयर भी था पुराना टी अम्मा के कमरे में चला गया था ताकि वे शांति से भजन और संतों के प्रवचन सुन सकें फिर मलय निलय के लिए साइकिलें आई थीं राजू ने बड़े दार्शनिक अंदाज में सफाई दी थी बहुत दिनों से ड्यू था दीदी मैंने सोचा बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये हसरत मन की मन में ही रह जाएगी पर बंदे ने एक बार भी ये नहीं कहा कि दीदी तुम्हारी बदौलत ही मैं बच्चों की इच्छा पूरी कर रहा हूँ अब पड़ोसनों से घिरी नीता वॉशिंग मशीन पर लेक्चर झाड़ रही थी सच्ची मैं तो महरी के नखरे झेल झेल कर परेशान हो गई थी अब तो राहत मिलेगी मैं तो इनसे कह रही हूँ कि मुझे एक वैक्यूम क्लीनर और डिश वॉशर ला दो सिरे से उसकी छुट्टी ही कर दूँ नीता के चेहरे से खुशी छलकी पड़ रही थी पर उसने एक बार भी सखियों को यह नहीं बताया कि ये राहत ये खुशी दीदी के कारण ही संभव हो सकी है कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि राजू बेचारा कर्ज का मारा है बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसकी जैसे कोई लॉटरी लग गई हो कल को दीदी जीजाजी भी शान से सेंट्रो में घूमेंगे पर शायद वे भी भूल जाएंगे कि गाड़ी में रेणू का पैसा लगा है रेणू को वितृष्णा हुआ वॉशिंग मशीन की खुशी में समोसे आए थे मिठाई आई थी चाय के साथ सब लोग उसका आनंद उठा रहे थे एक अकेली वही गुमसुम बैठी थी सबसे ज़्यादा नीता चहक रही थी अरसे बाद उसे इतना प्रसन्न देखा था दीदी मेरा बहुत मन है एक माइक्रोवेव लेने का ये कह रहे हैं ओ जी लेंगे आप बताइए क्या लेना चाहिए नीता दोनों नंदों से मुखातिब थी दोनों की अपनी यूटिलिटी है रेणु ने बुझे मन से कहा रेणु एक ओ जी तुम्हारे पास भी तो था दीदी ने पूछा हम लोग जिस दिवाली पर आए थे उसी दिवाली को तो ख़रीदा था उसके तुरंत बाद ही तो शायद दीदी ने वाक्य जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया अरे ये तो निरी पागल है अपना सारा सामान वहीं छोड़कर चली आई है अम्मा ने कहा तो क्या सारा घर उठा कर ले आती रेनू एकदम फट पड़ी अपने कपड़े लाई हूँ जेवर लाई हूँ क्या बर्तन भांडे भी ढोकर लाती उस गृहस्थी पर उनका भी तो कोई हक है उनके बेटे का पैसा लगा है उसमें उस गृहस्थी में आधा सामान तो हमारा ही दिया हुआ है राजू बोला तो तुमने वो इस आशा से तो नहीं दिया था कि दीदी जब एक दिन सूनी मांग लेकर लौट आएंगी तो सारा सामान भी वापस मिल जाएगा कहते कहते उसका गला भराया आवाज़ गले में फंस कर रह गई अरे अब बस भी कीजिए नीता ने इतरा कर कहा आप लोग कहाँ का पछड़ा लेकर बैठ गए अगर कुछ सामान छूट भी गया है तो क्या हुआ अनुजी का दहेज बन जाएगा नीता रेणु ने कसीली आवाज़ में कहा मेरा छः साल तक बढ़ता हुआ सामान है वो उससे दहेज बनेगा तो नया लेने की औकात है उनकी जीजा जी बोले उनकी ना सही मेरी तो है तुम तुम अनु का दहेज तैयार करोगी दो चार आवाज़ें एक साथ उभरी क्यों नहीं करूँगी उसके भाई होते तो पता नहीं क्या क्या करते अब वे नहीं हैं पर उनका पैसा तो है उस पैसे पर अनु का भी तो उतना ही हक है रेणु ने देखा पांच जोड़ी आंखें उसे खा जाने वाली निगाहों से घूर रही हैं उन आंखों में आश्चर्य था अविश्वास था और थी आशंका रात बिस्तर पर लेटे लेटे उसे अपने परिजनों की वे दहशत ज़दा आँखें याद आती रहीं उसे मालूम है वे लोग नहीं चाहते कि ससुराल से उसका ज़रा भी संपर्क बना रहे वैसे वो उन लोगों से कटी गई थी पर डेढ़ दो साल पहले योगेश की शादी का कार्ड आया था साथ में मांझी ने चार पांच पंक्तियां लिख भेजी थी बहू चार दिन के लिए सही आना जरूर गुड़िया को देखने का बहुत मन है ऐसा न हो कि ये साथ मन में ही लिए मैं चली जाऊँ वो जाने का मन बना ही रही थी कि अम्मा ने रोक लिया हजार पाँच सौ जो भी भेजने हो भेज दे और कर छुट्टी तेरी सास बहुत घाघ है मीठा मीठा बोलेगी और गहना गुरिया हथिया लेगी तू ऐसी सीधी है कि मना भी नहीं कर पाएगी और रेणु मान गई थी ऑडिट का बहाना बनाकर उसने हजार रुपये का मनी ऑर्डर कर दिया था आज उस गलती के लिए पछता रही है योगेश की शादी में तो वो मान गई थी पर क्या अनु की शादी में इस तरह तटस्थ रह पाएगी देवेश को बहन की शादी का कितना अरमान था कहते थे इसके लिए तो मैं इंजीनियर दूल्हा लाऊंगा भाई को इंजीनियर ना बना पाने का बहुत दुख था उन्हें तीन बार पीईटी e. दिलवाया पर एडमिशन नहीं हो सका डोनेशन वाले कॉलेज में भेजने की तो सामर्थ्य नहीं थी हार कर एम करवा दिया देवेश की मृत्यु के बाद कंपनी ने रेणु के सामने नौकरी की पेशकश की थी पर उसकी पक्की सरकारी नौकरी थी लिहाजा उसने योगेश के लिए अनुरोध किया और जीएम मान गए क्लर्की ही सही मिल तो गई नहीं तो सेकंड क्लास एमएससी को पूछता कौन है अपनी परेशानियों से घिरी वो उस घर को एक तरह से भूली गई थी योगेश की शादी का निमंत्रण आया तो यादें फिर ताजा हुआ ही। शादी में चली जाती तो शायद टूटे तार फिर से जुड़ जाते पर वो नहीं हो सका और वे लोग फिर से विस्मृति में चले गए पर पिछले महीने से वे लोग बहुत याद आ रहे हैं खासकर अनु हुआ यह कि ऋचा के स्कूल में वार्षिकोत्सव था किसी नृत्य नाटिका के लिए ऋचा उसकी नीली कांजीवरम लेकर गई थी उसे पहनकर जब वो स्टेज पर आई तो रेणु धक से रह गई साड़ी पहनकर लड़की कितनी बड़ी लग रही थी कौन कहेगा कि वो महज दस साल की है उस दिन एक और सत्य ने उसे चौंका दिया ऋचा हु बहू अनु जैसी लग रही थी यूँ तो ससुराल में सभी कहते थे कि ऋचा बुआ पर गई है पर उसके मन ने कभी यह स्वीकार नहीं किया वो तो बिटिया में अपना ही प्रतिबिंब देखती थी पर आज उसे भी मानना पड़ा कि ऋचा अनु का ही प्रतिरूप है रंग कुछ उन्नीस बीस हो तो हो बाकी कदकाठी भी वही है रेणु जब शादी करके गई थी तब अनु इतनी सी ही तो थी दस बारह साल की वो चंचल और शोक लड़की हमेशा अपनी भाभी के आसपास ही डोलती रहती कंघी चोटी से लेकर होमवर्क तक सभी कुछ भाभी से ही करवाती जब तक रेणु उस घर में थी अनु के पहनने ओढ़ने के शौक़ उसी ने पूरे किए वो चंचल और शोक लड़की रिचा के जन्म के बाद एकदम दादी अम्मा बन गई थी दिन भर उसे छाती से लगाए रहती यूँ तो ऋचा घर भर की लाड़ली थी अनु के बाद वो पहला बच्चा था घर में इसलिए वो घर भर का खिलौना थी पर दादी और बुआ के तो प्राण उस बसते थे उन दोनों रिचा को भी मम्मी की परवाह कहाँ थी बस बुआ और दादी से ही चिपकी रहती थी यहाँ आने के बाद भी उन दोनों को याद करके कितना रोती थी बड़ी मुश्किल से डांट डपट कर उसे चुप कराना पड़ता था अब तो नाम भी नहीं लेती क्या सचमुच भूल गई है या मम्मी के डर से चुप रहती है कार्यक्रम वाले दिन फ़ोटोग्राफ़र से कहकर उसने रिचा की एक अलग से फ़ोटो खिंचवा ली थी जब वो बनकर आई तो पता नहीं क्या सोचकर अनु को तस्वीर भेज दी उसके पीछे लिखा अनु गुड़िया की तस्वीर भेज रही हूँ कहीं तुम्हें तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम आईना देख रही हो अनु का पत्र लौटती डाक से आ गया था ये तो अच्छा हुआ कि उसने दफ्तर का पता दे दिया था घर के पते पर आता तो शायद मिलता ही नहीं मिलता भी तो अम्मा की टिप्पणियों के साथ अम्मा तो उसकी सारी डाक साधिकार सेंसर करती हैं अनु ने लिखा था भाभी तुम्हें कैसे और कितने धन्यवाद तू समझ में नहीं आता फोटो में ही सही तुमने हमें गुड़िया से मिलवा तो दिया हमारी खुशी का तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती माँ तो उसे छाती से लगाए घूम रही हैं चूमती हैं और रोती हैं पूरे मोहल्ले में दिखा चुकी हैं तुमने ठीक लिखा है किसी जमाने में रिचा और मैं हम शक्ल थी पर अब वो बात कहाँ रही अब तो सब कुछ बदल गया है परिस्थितियों ने मेरा रंग रूप सब सोख लिया है बड़े भैया क्या चले गए हम लोगों की तो दुनिया ही बदल गई तुम गुड़िया को लेकर चली गई छोटे भैया भाभी को लेकर अलग हो गए भाभी की माँ से एक दिन भी नहीं बनी तुम तो जानती हो भाभी माँ ने हमें कितने कष्टों से पाला है बड़े भैया तो हमेशा गर्व से सबको माँ की तपस्या की गाथा सुनाया करते थे छोटे भैया को उसी पर शर्म आती है उन्हीं बातों को लेकर भाभी माँ को नीचा दिखाती हैं अपमानित करती हैं वे अलग हो गए एक तरह से अच्छा ही हुआ रोज़ की चिकचिक से तो छुट्टी मिली बी कर चुकी थी मैं इसलिए एक प्राइवेट स्कूल में आसानी से नौकरी मिल गई जितना भी देते हैं उसमें माँ बेटी का गुजारा हो जाता है इस उम्र में माँ को अकेले छोड़ने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकती उसकी संभावना भी नहीं है क्योंकि मेरी शादी के लिए छोटे भैया के पास ना पैसा है ना फुर्सत मैं तो यही सोचकर कांप जाती हूँ कि जब माँ नहीं रहेंगी तब मेरा क्या होगा अंत में लिखा था रिचा की और मेरी सिर्फ शक्ल ही एक जैसी नहीं है भाभी शायद किस्मत भी एक जैसी ही है देखिए ना उसने भी कितनी छोटी उम्र में अपने पिता को खो दिया बचपन की बात जानने दीजिए मैं तो भगवान से मना रही हूँ कि उसका भविष्य मुझ जैसा ना हो खूब पढ़ाना भाभी डॉक्टर बनाना ये पत्र रेणु पता ने कितनी बार पढ़ चुकी थी एक एक पंक्ति उसे जैसे कंठस्थ हो गई है वे सारे रिश्ते अपनी समस्त ऊष्मा के साथ उसके मन पर छा गए थे वो बेहद भावुक हो उठी थी, थी। खासकर अनु को लेकर तो उसका मन एकदम तरल हो गया था वो सचमुच उसके भविष्य को लेकर उसकी शादी को लेकर चिंतित हो उठी थी इसीलिए उसके दहेज की बात इतने अधिकार से कह सकी अनु का पत्र पढ़कर उसे योगेश पर तरस आया था और गुस्सा भी माँ के कष्टों का यही सिला दिया है अनु ने सच कहा था माँ को लेकर देवेश कभी कुंठित नहीं हुए थे बल्कि उन्हें तो अपनी माँ पर गर्व था शादी से पहले ही उन्होंने रेणु को विस्तार से लिख भेजा था कि उनकी स्वाभिमानी माँ ने उन्हें किस तरह मुसीबतें झेल कर पाला है पिता की मृत्यु के समय मात्र उन्नीस वर्ष के थे देवेश इंजीनियरिंग का पहला साल था वे तो पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने की सोच रहे थे पर माँ ने होनहार बेटे का कैरियर चौपट नहीं होने दिया अपने सारे गहने बेचकर उन्होंने रकम फिक्स डिपॉजिट में डाल दी और बेटे की फ़ीस की व्यवस्था कर दी बाकी खर्च वे ट्यूशन करके या स्कॉलरशिप से पूरा करते रहे पर घर में दो बच्चे थे और उनके पेट में भी तो कुछ डालना था मकान का आधा हिस्सा किराए पर उठाकर उन्होंने एक स्थाई आमदनी का साधन कर लिया पर उससे पूरा नहीं पड़ता था ऐसे में उनके सत्संग की एक सखी काम आई मिसेज राय एक प्राइवेट हाई स्कूल में प्रिंसिपल थीं उन्होंने मांझी को अपने यहाँ रख लिया मुश्किल से आठवीं तक पढ़ी थी वो दर्जा तो उन्हें चपरासी का ही मिलता था पर मिसेज राय ने उन्हें कभी उस तरह का काम नहीं करने दिया वे सिर्फ स्टाफ की चाय वगैरह बनवाती थी उनसे ज़बरदस्ती मैट्रिक का फॉर्म भरवाया पास होने में पूरे तीन साल लगे मैट्रिक होते ही उन्होंने मांझी को लाइब्रेरी में बिठा दिया नौकरी लगने के बाद देवेश अक्सर माँ से नौकरी छोड़ने के लिए कहते पर वे कभी राज़ी नहीं हुई कहती तेरी शादी हो जाए फिर छोड़ दूंगी अकेले के सिर पर सारी गृहस्थी का बोझ होता है तो लड़की वाले बितक जाते हैं शादी के बाद रेणु ने उनसे कई बार कहा अब आप आराम करें जब हम दोनों कमा रहे हैं तो आपको काम करने की ज़रूरत क्या है वे कहती जरूरत मुझे नहीं है बहू मेरे बच्चों को है माना कि भाई देवता है तुम भी लक्ष्मी हो पर हर बार भैया भाभी के आगे हाथ फैलाते शर्म आती है तुम जानो बच्चों की सैकड़ों ज़रूरतें होती हैं उनके लिए माँ से ज़िद की जा सकती है माँ से मांगते संकोच भी नहीं होता माँ अगर मना कर दे तो बुरा भी नहीं लगता भाई सचमुच देवता थे मांगने से पहले ही हाथ खर्च दे देते थे पर माँ जी ठीक कहती थी बढ़ती उम्र की सौ जरूरतें होती हैं उनकी फहरिस्त भी नहीं बनाई जाती ना उनका हिसाब दिया जाता है माँ जी कहती योगेश की नौकरी लग जाने थे तब तक ये महारानी भी विदा हो जाएंगी फिर आराम ही आराम है पर अपना सोचा सब कहाँ हो पाता है ये सब कुछ ऐसे छिन्न भिन्न हो गया जैसे कोई सुंदर सपना अचानक टूट जाता है माँ जी तो एकदम विक्षिप्त सी हो गई थी पति की मृत्यु के बाद उन्होंने बड़ी हिम्मत से काम लिया था बड़े कौशल से अपने उजड़े घर को संवार लिया था पर बेटे का आघात उनके लिए असहनीय था वे घंटों गुमसुम बैठी रहतीं या ऋचा को छाती से लगाए रोती रहती रेणु के पीहर से कोई पहुंच जाता तो उन्हें लगता वो रेणु को लेवाने के लिए ही आया है वे बिल्कुल बौखला जाती इसी बौखलाहट में उन्होंने रेणु के सामने योगेश से शादी का प्रस्ताव रख दिया था शायद इस प्रस्ताव के पीछे ऋचा का ही मोह था पैसे का नहीं उस समय राजू अम्मा दीदी जीजाजी सब उसे यही समझा रहे थे कि बीमे की रकम को दांतों से पकड़े रहना बिना सोचे समझे किसी कागज़ पर दस्तखत मत करना वो भी यही समझ बैठी कि यहाँ हर कोई उसके पैसों पर घात लगाए है ऐसे माहौल में वो शादी का प्रस्ताव आया माँ जी बेचारी क्या जानती थी कि वे फूस पर अंगार रख रही हैं रेणु तो एकदम से भड़क गई दूसरे ही दिन दफ्तर जाकर उसने एक अर्जी छुट्टी की दी और दूसरी ट्रांसफ़र की इस घर में अब उसका रहना असंभव था माँ से ज़्यादा अब उसे बेटे का डर था ट्रांसफ़र होने में पूरे तीन महीने लगे उतने दिन वो अम्मा के पास बनी रही चार दिन एक बार ससुराल जाना पड़ा उस समय तक माँ जी के आंसू सूख चुके थे एक बार फिर उन्होंने भाग्य से जूझने के लिए कमर कस ली थी चलते समय भरे गले से बस इतना कहा बहू जा तो रही हो पर जिंदगी भर भाई की चौखट पर मत पड़ी रहना नहीं तो लड़की कुमला जाएगी जिंदगी भर कहाँ अभी तो महज पाँच साल हुए हैं ये नटखट चंचल ज़िद्दी लड़की कितनी शांत हो गई है क्या इसी को कुमलाना कहते हैं रेणू के बगल में लेटी ऋचा को देखा नींद में भी उसका चेहरा कैसा बुझा बुझा सा लग रहा था रेणु को एहसास हुआ कि एक अरसे से उसने बेटी को गौर से नहीं देखा है ना ही उसे कलेजे से लगाकर प्यार किया है एक अरसा हुआ ऋचा ने उससे खुलकर बात नहीं की है एक ही कमरे में दोनों दो अलग अलग द्वीपों में बट गई हैं अपनी परेशानियों में उसे रिचा के खान पान की ओर ध्यान देने की फुर्सती ना मिली वैसे भी नीता को रसोई में किसी का दखल पसंद नहीं है रेणु सुबह उस उसका टिफ़िन बना देती है पर स्कूल से लौट कर वो क्या खाती है उसे पता नहीं उस समय वो अपने दफ्तर में होती है वो नाश्ते की ढेर सारी चीज़ें घर में लाकर रखती है पर रिचा खाती है या नहीं उसे पता नहीं वैसे भी मल निलय उस पर हमेशा हावी रहते हैं एक तो लड़के हैं दूसरे उनके बाप का घर है उनका साथ देने के लिए उनकी माँ हमेशा घर में मौजूद रहती है, है। कई बार मन हुआ कि अपने कमरे में कुछ ला रख ले पर हिम्मत नहीं पड़ी रख भी लेती तो क्या होता राजू के बच्चे तो घर भर में दमा चौकड़ी मचाते रहते हैं रिचा से पहले वे ही सब चट कर जाते चाचा की शादी में जाने की बात हो रही थी तो रिचा कितनी हुलस उठी थी कितनी ललक से उसने अपना बैग तैयार किया था पर जब प्रोग्राम रद्द हो गया तो चुप करके बैठ गई एक बार भी उल्हाना नहीं दिया पिछले साल से साइकिल के लिए कह रही थी पैदल ट्यूशन आते जाते थक जाती है पर भीड़ भरी सड़कों का वास्ता देकर रेनू टालती रही है उस दिन मलयिलय दोनों के लिए साइकिलें आईं तो रिचा हसरत से देखती रह गई पर कुछ नहीं बोली रेनू को बहुत दुख हुआ था अट्ठारह सौ एकदम फेंकते नहीं बन रहे थे इसीलिए टाल रही थी पर राजू तो पूरे तीन हज़ार फेंक आया था और खुश हो रहा था उसी के पैसों पर लोग ऐश कर रहे थे और उसकी अपनी बेटी छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरस रही थी टीवी के साथ भी यही हुआ नया टीवी आया तो राजू के कमरे में चला गया पुराना अम्मा ने हथिया लिया रिचा बोली कि मम्मी एक छोटा सा अपने लिए भी ले लो ना तो रेणु ने झड़क दिया हम लोग कोई धन्ना सेठ हैं जो हर कमरे में टीवी होगा यहाँ दिन भर देखने की फुर्सत किसे है तुम्हारा जब मन हुआ करे तो नानी या मामी के कमरे में देखाया करो वे मना थोड़े ही करती हैं पर रिचा वहाँ देखने नहीं गई ना उसने दोबारा मम्मी से टीवी के लिए कहा लड़की सचमुच कुमला गई है सुबह वो दफ्तर के निकली तो देखा राजू स्कूटर के साथ जूझ रहा है आजकल कुछ ज़्यादा ही परेशान करने लगा था उसे देखते ही बोला अरे यार दीदी तुम जीजा जी को जल्दी से फाइनेंस कर दो ना ताकि मुझे इस खटारे से छुटकारा मिले मतलब मतलब ये कि वो नई सेंट्रो ले आए तो मैं उनकी मारुति ले लूँ तुम मारुति ले रहे हो हाँ यार नीता का बहुत मन है अब नई तो अपन इस जन्म में खरीद नहीं सकते पुरानी से ही मन बहला लेंगे साठ हज़ार में सौदा पक्का हुआ है पर इस सौदे में मैं कहाँ आती हूँ कमाल करती हो उस दिन बात नहीं हुई थी आप फाइनेंस करेंगी तभी तो सेंट्रो आएगी उस दिन अरे वो तो यूं ही मजाक चल रहा था भला मेरी क्या औकात है कि मैं जीजा जी को फाइनेंस करूं और उसकी ज़रूरत भी क्या है दुनिया भर की कंपनियां और बैंक लोन देने के लिए उतारू बैठे हैं कार लोन हाउस लोन टूर लोन एजुकेशन लोन फर्नीचर लोन तुम चाहो तो तुम भी अपने लिए नई नकोर गाड़ी खरीद सकते हो राजू को तो उसने किसी तरह बहला दिया पर उसकी बात दिन भर उसके मन में चक्कर काटती रही जीजा जी अगर सचमुच उसकी आशा में बैठे हैं तो उसका इलाज करना ही होगा शाम को घर लौटने के बजाय वो दफ्तर से सीधे दीदी के यहाँ पहुँच गई जीजा जी भी बस अभी लौटे ही थे मियाँ बीबी दोनों बालकनी में चाय का लुत्फ ले रहे थे आइए साली साहिबा आज इधर कैसे भूल पड़ी जीजा जी ने गर्म जोशी से उसका स्वागत किया रेणू को देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई थी उन्हें निराश करते दुख भी हो रहा था पर उनका भ्रम तो तोड़ना ही था आपसे एक काम था जीजा जी फरमाइए बंदा हाजिर है एक फ्लैट लेने की सोच रही हूँ आपकी नज़र में कोई हो तो बताइए लोकेलिटी अच्छी हो मेरा दफ्तर दूर पड़ेगा तो कोई बात नहीं मैं मैनेज कर लूँगी पर रिचा का स्कूल पास होना चाहिए बजट अपना ज़्यादा नहीं है इसलिए सस्ता सुंदर टिकाऊ एक छोटा सा तड़बा ढूंढ दीजिए तुम क्या अलग रहने की सोच रही हो हाँ दीदी कब तक राजू पर बोझ बनी रहूँ कभी ना कभी तो अपना ठिकाना करना ही था अपनी बेटी का तो ख्याल किया होता दरअसल उसी के ख्याल से मैं जल्दी मचा रही हूँ मेरे लिए तो खैर वो मेरी माँ का घर है पर उसकी जड़ें तो यहाँ नहीं हैं उसका भी तो अपना कोई घर हो कल को ससुराल जाएगी तो कुछ यादें साथ में हों यहाँ तो उसकी दुनिया एक कमरे में कैद होकर रह गई है ना कोई सखी है ना सहेली ना वो किसी के यहाँ जाती है ना किसी को बुलाती है पढ़ती है या गुमसुम बैठी रहती है इतने दिनों तक मैं अपना ही दुख सहलाती रही पर अब उसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा वो उम्र के बहुत नाजुक मोड़ पर खड़ी है तभी तो कह रही हूँ इस समय तुम्हें अलग रहने की सोचनी भी नहीं चाहिए दफ्तर जाते समय उसे किसके भरोसे छोड़ कर जाओगी कुछ ना कुछ प्रबंध तो करना ही पड़ेगा कोई बुजुर्ग सी आया दिन भर के लिए रख लूँगी अम्मा से कहूँगी बीच बीच में आ जाया करें कभी कभार रिचा की दादी भी आकर रह सकती हैं अब तो रिटायर हो गई हैं रिचा की दादी मतलब तुम्हारी सास उनको बुलाओगी क्या हर्ज है मेरे यहाँ तो आ ही सकती हैं इस घर पर उनका भी तो हक होगा उनके बेटे की कमाई ही तो लगेगी उसमें नहीं तो मेरी क्या औकात है संभल कर रहना बहुत घाघ है तुम्हारी सास राजनीति में होती तो अच्छा नाम करती यहाँ बैठे बैठे तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करती रहेगी सो तो सभी कर रहे हैं रेणु ने कहना चाहा पर जब्त कर गई उत्तर में बस इतना कहा जिया जी, जी अब जैसी भी है मेरी सास है ऋचा की दादी है झेलना ही पड़ेगा हमारी अम्मा को तो आप जानते ही हैं फिर भी नीता निभा रही है कि नहीं जैसा निभा रही है हम खूब जानते हैं दीदी ने बुरा सा मुँह बनाकर कहा तुम मगर होशियार रहना चिकना चुपड़ा बोलकर वे बेटी की शादी तुम्हारे गले मड़ देंगी तब तक अनु कुमारी रही तो वो भी कर लूँगी करना ही पड़ेगा कल को ऋचा की शादी में मेरे साथ यही लोग तो खड़े होंगे देखो भाई तुम्हारा पैसा है तुम्हारे लोग हैं तुम्हारी ज़िंदगी है जैसा ठीक समझो करो हमारा काम सलाह देना है मानना या ना मानना तुम्हारी मर्ज़ी पर है जिया जी ने बड़े दार्शनिक अंदाज में चर्चा का समापन किया उनके स्वर में नाराज़गी साफ झलक रही थी अगले दिन वो फिर बैंक में थी तो फिर आ गई लड़की आज किसके नाम पर दान पत्र लिखना है अंकल ने स्वागत किया नहीं अंकल आपकी डांट खाने के बाद मैंने वो खाता बंद कर दिया है आज तो दूसरे काम से आई हूँ बल्कि यूँ कहिए कि दो काम हैं बोलो एक तो यह है कि मेरे लिए एक छोटा सा सुविधाजनक फ्लैट ढूंढ दीजिए मेरी ज़रूरतें और हैसियत तो आप जानते ही हैं ठीक है दूसरा काम आपकी नज़र में कोई अच्छा लड़का हो तो बताइए डॉक्टर इंजीनियर नहीं चाहिए बस पढ़ा लिखा और नौकरी पेशा हो दहेज का लालच ना हो मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने मेरे दोनों सुझाव मान लिए बहुत खुशी की बात है अच्छा अब ये बताओ दूसरी जाति का चलेगा ना मैं सोचता हूँ इस स्टेज पर तुम्हें ज़्यादा रिजिट नहीं होना चाहिए पैंतीस से चालीस के बीच चलेगा आप क्या ये सोच रहे हैं कि मैं अपने लिए रिश्ते की बात कर रही हूँ ओ नो अंकल ये अध्याय तो मैंने अब बंद ही कर दिया है रिश्ता मुझे अपनी नद के लिए चाहिए बाईस तेईस की है बी ए बी एड है शक्ल सूरत भी अच्छी ही है अगर आपने मेरी बेटी को देखा हो तो समझ लीजिए बस उस जैसी ही है ऐसे क्या देख रहे हैं आप सोच रहा हूँ तुम जिंदगी भर क्या दूसरों के लिए ही खटती रहोगी दूसरे कहाँ अंकल ये लोग तो बिल्कुल अपने हैं मेरे पति की सगी बहन है वो इस दुर्घटना से पहले हम सब लोग साथ रहते थे फिर भी आजकल इतना कौन सोचता है मैं भी कहाँ सोचती थी अंकल आसपास से बेखबर मैं अपने ही दुख में डूबी हुई थी उन लोगों की कभी कोई खोज खबर ही नहीं ली मेरे पति एकाएक चले गए यूँ समझिए मेरी दुनिया ही उजड़ गई पर वे मुझे बेसहारा छोड़कर नहीं गए इतना रख गए हैं कि मैं आज किसी की मोहताज नहीं हूँ एक सम्मान की ज़िंदगी जी रही हूँ इसी के दम पर मैके में भी पूछ परख पर है पर जिस माँ ने उन्हें कठिनाइयों के बीच पाला पोसा और पढ़ाया वे आज बदहाली में जी रही हैं पैसे के अभाव में लड़की कुंवारी बैठी है जब से ये सब सुना है अंकल मैं शर्म से पानी पानी हो गई हूँ मेरी रातों की नींद उड़ गई है तो मेरा इतना काम करेंगे ना फ्लैट की मुझे कोई जल्दी नहीं है पर यह काम मुझे निपटाना ही है मुझे और किसी पर भरोसा नहीं है आप पर तो कर सकती हूँ ना सोलह आने कर सकती हो तुम इतना बड़ा पुण्य कार्य कर रही हो थोड़ा सा पुण्य मैं भी कमा लूँगा बस मुझे किसी दिन अपनी ननद का फ़ोटो और बायोडाटा दे जाना मैं कोशिश करूँगा घर आकर रेनू ने सबसे पहला काम ये किया कि अनु को एक लंबा सा पत्र लिख डाला अंत में लिखा कि पहली फुर्सत में अपनी एक अच्छी सी फोटो भेज दो बहुत मन हो रहा है पता वहीं दफ्तर का दे दिया अभी आप सुन रहे थे भलती जोशी जी की लिखी हुई कहानी आ अब लौट चलें उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी फिर मिलेंगे किसी बेहतरीन कहानी के साथ आपका समय शुभ हो